हेलो व्यूवर्स, आज हम करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिफ्थ पार्ट इज 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है उनकी सिक्स कॉस 60, सेक 30, टेन 45, साइन 30 और कॉस 30, इन सब की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखकर लिखनी है. तो आपको जैसे मैंने पुराने वीडियो में बताया कि आप इनकी वैल्यू टेबल की कैसे बना सकते हैं, उस टेबल को कैसे बना सकते हैं, तो वहाँ से आपको ये वैल्यू चेक करनी है. यहाँ जैसे कि इस टेबल में देखिए, मैंने टेबल सेम बनाई है. कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2. कॉस 60 डिग्री इज 1/2. नेक्स्ट वैल्यू इज सेक 30, सेक 30 इज 2/√3. सेक 30 डिग्री इज 2/√3. नेक्स्ट टेन 45 डिग्री इज 1. टेन 45 डिग्री इज 1. नेक्स्ट साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2. लास्ट कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज √3/2. कॉस 30 डिग्री इज √3/2. इन सब वैल्यू को हम इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. 5 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2 स्क्वायर. नेक्स्ट 4 sec 30 इज 2/√3 स्क्वायर. टेन 45 1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30, साइन 30 वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर, cos 30 वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर. इस तरह से सारी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करना है और उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है. जैसे कि सारी इक्वेशन पे स्क्वायर है तो हम पहले सबका 1/1 स्क्वायरिंग कर देते हैं. 5 1 सेपरेट स्क्वायर, 1 square is 1, 2 square is 4, प्लस 4 न्यूमरेटर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 square is 1 अगेन होल डिवाइडेड बाय 1 square 1, डिनोमिनेटर 2 square is 4, प्लस √3 square is 3, 2 square is 4. अब हम इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देते हैं. पहले हम इनको मल्टीपल करते हैं, जो ब्रैकेट से बाहर नंबर है उनको पहले हम सॉल्व करते हैं. 5 into 1, 5/4, 4 into 4, 16/3, -1, 1/4, प्लस 3/4. अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेने के लिए फर्स्ट हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं. 4, 3, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, 4, 3 का एलसीएम होगा 12, 4 into 3, 12. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीपल करेंगे तो 5 into 3, 15, प्लस 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम, तो 16 into 4, 16 into 4, 64. और इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 12 से मल्टीपल करेंगे तो 12. नाउ डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, और न्यूमरेटर में किसी से मल्टीपल नहीं करना है तो सेम. नाउ हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं. 15 + 64 -12 होता है 67. 15 माइनस, ये प्लस 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 होंगे और इन दोनों के प्लस से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, या फिर ऐसे कर सकते हैं ये प्लस, ये 15 है प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस 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 होगा तो 15 - 12 3, 64 + 3 67, और डिनोमिनेटर 12 होल डिवाइड बाय 3 + 1 4,
फोर बाय फोर। अब हम इसको कंप्लीट डिवाइड है, डिवाइड में फ्रैक्शन में, तो हम इसको पहले मल्टीपल में चेंज कर ले, 67/12 इंटू इस फ्रैक्शन में 4/4 वन, तो ये हो गया वन। देख आंसर इज 67/12। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा।